घर से भागकर आ जाती हो, करती कराती कुछ भी नहीं। क्या मतलब? अरे जा बाबा जा। जानती थी कि बहुत लोग कॉम्प्रो करने के लिए कहेंगे, पर मैंने ठाना था बनूंगी तो अपने बल पर। वैसे भी कॉम्प्रो से हीरोइन बनती होती तो फिल्में रेड लाइट एरिया में ही बनती। मैं कुछ ना कुछ कर कमा ही लेती थी और कुछ ना कुछ रमी भी, पर उसके तेवर बदलने लगे थे। Am I out of संजय चौहान सॉन्ग? क्या मैं संजय चौहान का गाना नहीं कर रही? I don't know, तुम्हें पता होगा, तुम्हारी डायरेक्टर के साथ बात हुई। मेरी जगह वो सॉन्ग दिया कर रही है। अच्छा, कौन दिया? वही दिया जिसकी तुमने डायरेक्टर के साथ डिनर मीट करवाई थी। क्या दिया सिया की रट लगा के बैठी हो, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मुझे खुद उसने बताया कि तुमने उसके लिए। झूठ बोल रही है साली। एक्चुअली फिल्म रोल के लिए मैंने उसका नाम काट दिया, इसलिए फूट डाल दिया हमने। थर्ड मेन लीड करेक्टर के लिए तुम्हारा डायमंड प्रोडक्शन के लिए फाइनल किया है। दिया ये रोल करना चाहती थी, मैंने प्रोड्यूसर से बात की है, डायरेक्टर भी एग्री करता है, पर पैसा तो प्रोड्यूसर लगा रहा है, सो इसलिए मैंने प्रोड्यूसर से बात की। कल की तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है उसके साथ, सो कूल डाउन, कल तुम्हें वहां जाना है। दिमाग से काम लो, दिमाग से। देखो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार ये रोल मिल गया ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। हमारी? अब तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या है जान, डरना मत, ठीक है? अरे डरे मेरी जूती, तू यही रुक, मैं अभी रोल कंफर्म करके आती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आकृति जी आइए आइए, यहाँ बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, हेलो शेलो करते हैं यार। ओह सॉरी, मैंने सोचा कि आप तो बहुत एजेड होंगे, पर आप तो बहुत यंग है सर। बस जी, प्रभु की कृपा है और आप जैसे प्रेम करने वालों की वजह से ही यंग लग रहे हैं जी। आपका नाम आकृति है ना? जी सर। तो खड़े हो जाइए। आई मीन आपकी आकृति तो देख ले। मेरा मतलब है कि हमारी फिल्म के मुताबिक है कि नहीं? सर मेरी प्रोफाइल और ऑडिशन क्लिप में सारी जानकारी है। होगी पर हमें तो नहीं है ना भाई, पैसा लगाता हूँ तो जानकारी तो चाहिए चाहिए, समझ रही हो ना तुम? नहीं सर, पर आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह कौन रहा है, ऐसी बातें कहने की नहीं करने की होती। मिस 34, 27, 35, आओ जरा पास आओ, आओ तुम्हें समझाता हूँ, आओ आओ जरा बैठो यहाँ। मिस आकृति, आओ मैं समझाता हूँ तुम्हें। हाथ उठाओ नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम पड़ी सर हो। तेरा सौदा किया तेरे यार के साथ, सात सीन हो गए तेरे और उसे भी रोल दे रहा हूँ विलन के गुर्गे का, एक रेप सीन भी है, तेरा यार और विलन दोनों मिलके करेंगे, यही डील हुई है इसके साथ, 2 लाख ले चुका है मेरे से एडवांस में और तू मुझे हाके दिखाती है, चल तेरे
तेवर मुझे पसंद आए। एक आइटम सॉन्ग भी है तेरे ऊपर, हॉट एंड सेक्सी। अब दिखा तेवर, चल दिखा, अब चल दिखा अपने तेवर। क्या हुआ जान? तुम तो जोक से भी बदतर निकले, बास्टर्ड। मैं हारी नहीं थी, बल्कि मुझे और बल मिल गया। रमी को एक पल नहीं लगा ये समझने में कि उसे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। इंडस्ट्री में मेरा नाम थोड़ा बदनाम हुआ कि ज्यादा ही दिमाग चढ़ा है। काम मिलना बंद हो गया, कमरे का किराया देना मुश्किल। मैं ऐसे ही परेशान बैठी थी कि एक फोटोग्राफर, मेरे पिक्स लेने लगा। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं उस पर बरस पड़ी। ये क्या बदतमीजी है? गिव मी योर कैमरा। मेरा नाम रामेश धीर है। मैं पिछले 18 सालों से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूं। तुम्हारे तेवर अच्छे लगे इसलिए तुम्हारी पिक्स ली। इसमें काफी पिक्स है तुम्हारी, तुम चाहो तो देख सकती हो। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी पिक्स कैसे ली? ये मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ये फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं, खींचने नहीं देती। पर असल में सही खूबसूरती खिंचवाई हुई फोटोग्राफ्स में नहीं होती, खींची हुई फोटोग्राफ्स में होती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? डिलीट करो इन्हें और दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, वैसे आप मुझे सैंटा समझ सकती हैं। व्हाट नॉनसेंस। चलो ऐसा समझ लो कि संता सिंह फ्रॉम समराला। एक मिनट पकड़ो, ये देखो फेमिनिटी मैगजीन। ये कब? दरअसल मुझे वहां पर मॉडल्स के लिए पोर्टफोलियोस के लिए बुलाया गया। तुम्हारे तेवर देखकर कायल हो गया। मैंने उस प्रोड्यूसर के तमाचा पढ़ते हुए और उस लड़के के तमाचा पढ़ते हुए पिक्स खींच ली। हाँ, ये एक आर्टिकल बन गया, ब्रेव गर्ल्स डोंट कर्स। अच्छा है। और सच, मैं आपकी एक अमानत देने आया था। हाँ, 75,000 रुपया मिला था। मैं आपके घर गया था पर आप मिली नहीं, पर आज गया तो मकान मालिक है जो वो किराए का शोर मचा रहा था, उसके पैसे मैंने उसको दे दिए, इसमें से काट लिए। ये रखिए, रखिए ना, रखिए। हाँ, और अगर अभी तुम मुझे गुनहगार समझती हो तो तुम्हारा मुजरिम हाजिर है। बहुत कमीने हो तुम।